बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया अल्लाह तबारक व ने इंसान की फजीलत का मदार मदारम पर रखा है चूँकि इंसान को अल्लाह तबारक व ने जो एलम अता किया है उसकी कोई नज़ीर नहीं है इसलिए इंसान सारी कायनत में सबसे अफजल हो जाता है और इलम की बुनियाद पर आदम आदमुसलातलाम को मसजूदलमलाइक़ा बनाया गया मलाइका से सईदा करवाया गया जिसका इबलीस ने इनकार कर दिया था लेकिन आदम आदमुसलातूलाम की फजीलत इलम की वजह से थी यही वजह है कि मलाइका के साथ जब इलम में मुनाजरा करवाया गया तो उस मुनाज़रे में भी अल्लाह तबारक व ताली ने आदम उलातुलाम को फ़त फ़रमाई तो मालूम यू है कि इंसान की फजीलत का मदार इलम पर है और इलम का मदार अल्लाह तबारक व ताला ने नेक़ल पर रखा है कि इंसान की जिस क़दर अ़ल ज़्यादा होती है शोर इंसान का कवि होता है अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए कसब इलम को उतना ही आसान फरमा देते हैं तो गोया है कि इलम बढ़ता चला जाता है तो इंसान का मुकाम मरतबा बढ़ता चला जाता है चुनाचे कायनत में सबसे अफजल हो जाता है फिर ख़ुद इंसानों में अल्लाह तबारक वाणा ने इलम के मुख्तलिफ दर्जे रखे हैं इंसानों के अंदर जिसका इलम ज़्यादा है वो ज़्यादा मरतबे वाला है जिसका इलम कम है वो कम मरतबे वाला है तो वो है कि ख़ुद इंसानों के अंदर भी तफाफत मरातब इलम की बुनियाद पर रखा गया है कि इलम की ज़्यादी इंसान के मरतबे को बढ़ा देती है और इलम की कमी इंसान के मरतबे को कम कर देती है और इलम का मदार जैसे मैंने अर्ज़ किया आकल और शौर पर है अकल और शौर जितना कवि है जिसना इतना मुस्कम है इंसान उसी कदर बढ़ कर इलम को हासिल करता है और इलम के ज़रिए से नई नई चीज़ें ईजाद करता नज़र आता है और अकल जिस दर्जे की इंसान के पास होती है तो इंसान उसी दर्जे का इलम हासिल करता है अगर अकल कवी है मुस्कब है तो ज़्यादा से ज़्यादा इलम हासिल करता है अगर अकल और शोर कमज़ोर है तो कम इलम हासिल करता है गोया कि इसकी मिसाल यूँ समझें कि इस्तेदाद जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इंसान इलम हासिल करेगा और इंसान की इस्तेदाद और एबिलिटी जितनी कम होगी उतना कम इलम हासिल करेगा जैसा कि हिस्सी मिसाल समझें कि पानी का दरिया अगर बहता हो तो वहाँ पर आकर अगर गाय पानी पिएगी तो गोहे के एक मन पानी पी लेगी ऊंट पानी पिएगा तो दो मन पानी पी लेगा बकरी पानी पिएगी तो दो किलो पानी पी लेगी लेकिन एक चिड़िया आकर पानी पिएगी तो दो कतरे पानी पिएगी देखो हर जानवर ने अपने अपने इस्तदाद के मुताबिक पानी को हासिल किया है हालांकि पानी का दरिया सब लिए बह रहा है ऊँट के लिए भी वही पानी है चिड़िया के लिए भी वही पानी है लेकिन चूंकि चिड़िया की इस्तेदाद कम है इसलिए वो कम पानी पी सकी गाय की इस्तेदाद उससे ज़्यादा है वो ज़्यादा पानी पी सकी ऊंट की इस्तेदाद उससे भी ज़्यादा है ऊंट ने और ज़्यादा पानी पिया तो बस ये अकल का मतलब ये है कि वो इस्तेदाद जो बात नहीं इंसान को अल्लाह तबारक ने दी है वो इसदाद जितनी ज़्यादा होती है इंसान उतना ज़्यादा इल्म हासिल करता है बजायर इलम के ख़जाने सब के लिए खुले हुए हैं भले वो क़ुरान और सुन्नत का इलम हो भले दुनियावी अमूर का इलम हो इलम के ख़जाने सब के लिए आम और ताम हैं लेकिन अब हर इंसान उसमें से अपनी के मुताबिक हासिल करता है कोई हासिल करके इमाम अज़म हनीफा बन जाता है कोई हासिल करके इमाम मालिक बन जाता है कोई हासिल करके इमाम शाफ़ी बन जाता है कोई हासिल करके इमाम आमदी बिन हम्बल बन जाता है और कोई हासिल करके मेरे और आप जैसा एक आम इंसान रहता है लेकिन इस्तेदाद के फ़र्क की वजह से वो अकली शौर और कुव्वत की वजह से इंसान कम इल्म हासिल कर पाता है जिसका इस्तेदाद और कुव्वत ज़्यादा होती है अल्लाह तबारक तआला उसकी बक़दर उसको इलमता फ़रमा देते हैं